गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट सम। इसमें क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हो पी एक्स, उसको डिवाइड करना है जी एक्स से और उसका क्वेश्चन ना रिमाइंडर पता करना है। और आपको पता नहीं कि पी एक्स कौन सा पॉलिनोमियल दिया है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है और किससे डिवाइड करना है जी एक्स, वो कौन सा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वेश्चन एंड व्हाट इज रिमाइंडर, तो मैं आपको सिंपली बता दूँ। अब 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, जिसको तो हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है आपका डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। ओके, अब हम उसको डिवाइड करेंगे 2 पे क्या, अब इसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे कोशेंट, और ये आपका क्या आएगा रिमाइंडर। ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। अब देखो हमने वही इसके साथ करना है, ये भी सिंपल डिवाइडेशन ही है। हमने ये आपको पॉलिनोमियल दिया, उसको डिवाइड करना है और इसका क्या पता करना है आंसर, तो क्वेश्चन पता करना है और रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे करते हैं, जिसको तो हम डिवाइड करना है उसको तो हम रखेंगे इन द ब्रैकेट, जिससे डिवाइड करना है उसके बाद। अब देखो कैसे डिवाइड करना है, हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है, हमने सिर्फ क्या फर्स्ट टर्म को देखना है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, हमने सिर्फ इसको खत्म करना होता है, पीछे जो भी बन रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, किससे करेंगे एक्स से करेंगे। अब देखो गलती क्या करते बच्चे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना। जिससे मल्टीप्लाई करें उसको उसी टाइम लिखो, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया कितना एक्स क्यूब, और टू के साथ किया कितना आ गया 2 - 2, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया। अब देखो ये भी ध्यान रखना है, एक्स क्यूब आएगा तो एक्स क्यूब के नीचे लिखना है, स्क्वायर वाला टर्म आएगा स्क्वायर के नीचे लिखना है, एक्स वाला आएगा तो एक्स के नीचे, और माइनस टू एक्स यहाँ पे नहीं आया तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, साइन इसके चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस है, इसका साइन चेंज करें क्या आएगा माइनस, इसका साइन चेंज करें कितना आ जाएगा प्लस 2x, यहाँ पे आ गया माइनस। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको एज इट इज लिख लेंगे, तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक ये आए इसके स्मॉलर टर्म आ। अब देखो 5x + 2x कितना आ गया 7x - 3। अब फिर वही बात, हमने किसको खत्म करना है -3x2, अब वही उठा लो x2 - 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x2 आ जाए। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x2, ऑब्वियसली किससे करेंगे -3 से, तो आपने उसी टाइम से लिखना है, अगर वहाँ पे लिखना भूल गए यहाँ पे कर रहे कोई मतलब नहीं है। ओके, अगर आंसर ही नहीं आ रहा आपको डिवाइडेशन का तो क्या मतलब है। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस -3x2 -(-)+6, अब इसको लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे। अब देखो प्लस एक्स कॉन्स्टेंट टर्म है उसको इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक्स क्यूब टर्म नहीं, इसको इसके नीचे लिखेंगे +6। अब वही स्टेप, अब क्या करते हैं साइन चेंज, अब इसका माइनस है तो क्या आएगा +3x2, यहाँ पे प्लस करके कितना आ जाएगा -6। ओके, ये माइनस का ही प्लस है क्या है कैंसिल, अब इसको एज इट इज 7x -3 है -6 कितना है -9। अब देखो जब आपकी यहाँ पे इसकी डिग्री इससे कम आ जाए तो आपका सम वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका क्या है, ये आपका क्या है कोशेंट, ये आपका क्या है रिमाइंडर।